शिवराज सिंह पूरे जिले में घूम रहे हैं, छोटे छोटे अधिकारियों को सस्पेंड कर रहे हैं। यह चौथी घटना है। मुख्यमंत्री, मैं हाथ जोड़ कर कह रहा हूँ, अगर आप मर्द के बच्चे हो तो कलेक्टर एसपी को सस्पेंड करो। बोलते हो ना कि मैं किसान की औलाद हूँ, ऐसा है तो आज किसान की सुरक्षा कर। यह विवादित बयान बरघाट के कांग्रेस विधायक अर्जुन सिंह कांकोडिया ने दिया है। अब उनके इस विवादित बयान का वीडियो इंटरनेट मीडिया में जमकर प्रसारित हो रहा है। इस वीडियो में विधायक कांकोडिया का विवादित बयान यही नहीं रुक रहा है। वायरल वीडियो में विधायक यह भी कह रहे हैं कि यहाँ पर 24 घंटे लाइट चाहिए, दिन और रात में भी लाइट चाहिए। यह नौटंकी करने की जरूरत नहीं है, छोटों को सस्पेंड करने की जरूरत नहीं है, हमको अब जड़ पर वार करना पड़ेगा। यह छोटे छोटे कर्मचारियों से हमको कोई मतलब नहीं है, असली हरामखोरों के चेहरे को देखो जरा। विधायक ने यह विवादित बयान 2 दिन पहले रविवार को गोंडी गांव के बाघ के हमले में एक ग्रामीण की मौत होने के बाद मौके पर पहुंच कर दिए थे। इस विवादित बयान का वीडियो इंटरनेट मीडिया में प्रसारित होने के बाद जिले की राजनीति गर्मा गई है। विवादित बयान का वीडियो इंटरनेट मीडिया में वायरल होने के बाद जब विधायक अर्जुन सिंह कांकोडिया से बात की गई तो उन्होंने अपनी पीड़ा बताते हुए सफाई दी। उन्होंने कहा, जो काम नहीं करता है, हराम की तनख्वाह लेता है, उसे ही तो हम हराम खोर कहते हैं। गांव में अब भी बाघ घूम रहा है, 4 लोगों को बाघ मार चुका है, फिर भी विभाग के अधिकारी उसे नहीं पकड़ पा रहे हैं। कलेक्टर फोन तक नहीं उठाता है, ऐसे अधिकारियों के बारे में क्या कहा जाए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री छोटे कर्मचारियों को सस्पेंड कर रहे हैं, जो बड़े अधिकारी एसी रूम में बैठकर कोई काम नहीं कर रहे हैं, उन्हें सस्पेंड करके दिखाएं। ये चौथी घटना है, ये चौथी घटना है। मैं बार 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 मैं फॉरेस्ट विभाग को मैं बोल रहा हूँ, क्या ये अभी अभी ये शिवराज सिंह जी घूम रहे हैं, पूरे जिले में घूम रहे हैं, छोटे छोटे अधिकारियों को ये सस्पेंड कर रहे हैं, छोटे छोटे अधिकारियों को। ये चौथी घटना है, ये चौथी घटना। मैं शिवराज सिंह से आपसे कह रहा हूँ, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी हाथ जोड़कर, अगर आप मर्द के बच्चे हो तो इनको कलेक्टर और एसपी को सस्पेंड करो, सीसीएफ को तब समझ। किसान की अगर औलाद है, बोलते हो ना कि मैं किसान का औलाद हूँ, किसान का औलाद हूँ, अगर किसान का असली औलाद है तो आज किसानों की सुरक्षा कर तू। यहाँ पे 24 घंटे लाइट चाहिए हमको, 24 घंटे दिन में, दिन और रात में 24 घंटे हमको लाइट चाहिए। अगर किसान का बच्चा है तो ये काम कर, ये काम कर तू। ये नौटंकी करने की जरूरत नहीं है, ये छोटे छोटों को करने की जरूरत नहीं है, इनको सुधारो। वो क्या हमको क्या है, अब हमको जड़ पे वार करना पड़ेगा। ये छोटे छोटे कर्मचारियों से हमको कोई मतलब नहीं उठता, इन हरामखोरों के, इनके चेहरों को देखो जरा, ये जो है इन लोगों को देखो। अगर ये है वाकई हितैषी है जनता की, जनता के हितैषी है, मुझसे जो बन सकता है मैं कर रहा हूँ। सर्व सुविधा युक्त नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा में अब कैंसर का सफल उपचार और ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ मिल रहा है आयुष्मान भारत निरामय योजना का लाभ। आयुष्मान जन आरोग्य योजना के तहत सभी प्रकार के मेडिक्लेम की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ लेजर कैंसर, अस्थि रोग, एंडोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी एवं प्रसूति रोग का अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा उपचार किया जाता है। कैंसर के इलाज एवं ऑपरेशन अब रीवा के नेशनल अस्पताल में उपलब्ध है। नेशनल हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर अखिलेश पटेल के द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही हैं सभी सुविधाएं। आयुष्मान से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9691288560 पर, या फिर संपर्क करें 7566831551 पर। हमारा पता है नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा, संपर्क करें 07662359974 पर, या फिर संपर्क करें 8602888590 पर।